गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टडी किया था और मैंने आपको ये कहा था कि एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो आज अपन सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं बच्चों, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी को एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो बच्चों, एंजियोस्पर्म प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि जो जायगोट है, जो सिंपल फ्यूजन से बना था, ये जायगोट कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहेगा। अच्छा, इसका रेस्टिंग पीरियड में क्यों रहेगा, मैंने अभी आपको बताया है कि जायगोट एकदम से एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेगा, पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। तो जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक ही रेस्टिंग पीरियड में रहेगा। इज दैट क्लियर? तो जायगोट रेस्टिंग पीरियड तक रहेगा और रेस्टिंग पीरियड एंड होने के बाद, यानी आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, ये जायगोट जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? अब सवाल है कि जायगोट कितने समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, ये अलग अलग प्लांट्स में वेरी करता है। इसमें मैं आपको दो डाटा दे सकता हूँ कि अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पीरियड की, यानी सबसे कम समय तक रेस्टिंग पीरियड, तो वो रहता है कंपोजिटी फैमिली के अंदर, ठीक है, और ग्रेमिनी फैमिली में, ठीक है ना। इन फैमिली के प्लांट्स में ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, लगभग 4 to 5 आवर, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट पीरियड की, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की, तो लॉन्गेस्ट पीरियड तक इसका एग्जांपल है कॉल्चिकम प्लांट, ठीक है। तो इसमें लगभग 4 to 10 months तक ये रहता है। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जायगोट रेस्टिंग पीरियड के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है और इसकी स्टडी को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं और इसकी प्रोसेस को एम्ब्रियोजिनेसिस बोलते हैं। ये तक समझ आया? अब बच्चों, प्लांट हमारे पास दो तरह के हैं, एक डाइकोट और एक मोनोकोट। तो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी डाइकोट में भी स्टडी करेंगे और मोनोकोट में भी। तो आज हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है, डाइकोट के अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट आज हम पहले डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों कि इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी की थी हेनस्टीन ने, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टडी हुआ था वो सेफर्ड पर्स प्लांट के अंदर हुआ था, और इस प्लांट का नेम आपको पता है कौन सा है, कैप्सेला। यानी सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टडी कैप्सेला में हुआ था डाइकोट का, और कैप्सेला जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली में आता है। कौन सी फैमिली का है ये? क्रूसीफेरी फैमिली का, ठीक है, ये इसकी फैमिली है। इसलिए इस टाइप के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्रूसीफर, क्लियर, या ओनाग्रेट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्रूसीफर या ओनाग्रेट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं डाइकोट प्लांट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, क्योंकि स्टडी किसमें हुआ था, कैप्सेला में, और कैप्सेला कौन सी फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात बच्चों कि डाइकोट प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट की ही मैं बात कर लूँ, चाहे वो डाइकोट है चाहे मोनोकोट है, इनमें एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। कौन सा? एंडोस्कोपिक। ये पूरी डाइवर्सिटी में भी आप स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट किस में हुआ था? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा का एम्ब्रियो डेवलपमेंट था एक्सोस्कोपिक, ठीक है। फिर क्या था? टेरिडोफाइटा, उसमें तीनों था, एक्सो, एंडो और मीजो। और फिर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्कोपिक, और आज एंजियोस्पर्म का भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है? एंडोस्कोपिक। तो ये पूरी डाइवर्सिटी आपको ध्यान में होगी। अब सवाल ये है कि एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है? तो ये क्या होता है बच्चों कि इसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो इंटरनल साइड होता है। एम्ब्रियो का जो अपेक्स है या एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो इंटरनल साइड होता है या इनसाइड होता है। कैसे? कि अगर मैं आपको
ओव्यूल की बात करूं, इसको अगर आप ओव्यूल के रेफरेंस में स्टडी करना चाहें तो ओव्यूल का आउटर रीजन क्या बोलेंगे अपन बच्चों, या एक्सटर्नल रीजन बाहर की तरफ वाला रीजन क्या होगा, माइक्रोपाइल, और इसका इंटरनल रीजन या बेसल रीजन क्या हो गया, चेलेजा। समझ आया बच्चों एकदम अच्छे से? तो एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चेलेजल साइड में होगा, ठीक है ना, इस साइड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, यानी अंदर की तरफ एम्ब्रियो डेवलप होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट है, क्रूसीफर टाइप का बोलते हैं इसे, क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली में ये स्टडी हुआ था, और स्टडी किसने किया था, हेनस्टीन ने। बात समझ आई? कोई डाउट? अब हम देखते हैं कि डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पूरा इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, तो अगले पेज पर अपन इसको डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं पूरा। देखो बच्चों, ठीक है, अच्छे से समझना है सारा। इसमें ये मान लेते हैं हमारे पास ये है जाइगोट। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, रेस्टिंग पीरियड के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। और ये जो डिवीजन होता है ये इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होगा ये, ठीक है। अब ट्रांसवर्स डिवीजन इस तरह से होता है, यानी सेल में ये ट्रांसवर्स डिवीजन है, क्लियर। तो अब इससे क्या होगा बच्चों, हमारे पास दो टाइप की सेल बन जाएगी इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास टर्मिनल सेल बन गई, ठीक है, अपेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये टर्मिनल सेल जो है वो किस साइड है, चेलेजल साइड है, चेलेजा की तरफ है, ठीक है। और नीचे हमारे पास बन गई बच्चों बेसल सेल, और ये बेसल सेल किसकी तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है। क्लियर हुआ बेटा? समझ आया एकदम अच्छे से? तो क्या हुआ अभी तक का, देखो बहुत आसान है। जाइगोट में यानी इक्वल डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स, और दो सेल बन गई, टर्मिनल सेल जो चेलेजा साइड है और बेसल सेल जो कि माइक्रोपाइल साइड है। अब दोनों सेल्स अपने अपने तरीके से डिवाइड होगी, लेकिन मैं पहले आपको बेसल सेल का डिवीजन समझा देता हूं, फिर मैं आपको टर्मिनल का बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले बेसल डिवाइड होती है और बाद में टर्मिनल होती है, इनका डिवीजन एक साथ चल रहा होता है, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट आप बेसल सेल का डिवीजन समझिए। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो बेसल सेल है ये ट्रांसवर्स डिवाइड हो डिवीजन करेगी, ठीक है। अब इसमें लगभग जो है वो चार से छह डिवीजन होगा, और ये क्या करेगी बच्चों, ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी। अब सस्पेंसर क्या चीज है, सस्पेंसर क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन अपटेक करता है फ्रॉम एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म, और उसे ट्रांसपोर्ट भी करता है, किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, टुवार्ड्स डेवलपिंग एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? तो सस्पेंसर का काम समझ आ गया क्या है, सस्पेंसर कोई एम्ब्रियो नहीं बना रहा है, सस्पेंसर क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है और उसको एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवा रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको स्ट्रक्चर से समझिए। अभी मैंने आपको बेसल सेल का बताया ना, तो अपने एक बार ऊपर ये टर्मिनल सेल बना लेते हैं, ये टर्मिनल सेल हो गई, हालांकि ये डिवीजन कर लेती है बच्चों, लेकिन इसका हम आपको अलग से समझाएंगे। और अब ये बेसल सेल थी, तो बेसल सेल इस तरह से डिवाइड हो रही है बेटा इस तरह से, और इसने ट्रांसवर्स डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बना ली इस तरह से। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? अब ये पूरा सस्पेंसर है बच्चों, ये पूरा सस्पेंसर है, क्लियर। इसमें लगभग 6 to 10 सेल्स होती है बच्चों, ये सस्पेंसर बन गया पूरा, ठीक है। सस्पेंसर की जो टॉप सेल है, टॉप लेयर, टॉप सेल जो टिप वाली सेल जो है, जो कौन सी तरफ है, माइक्रोपाइल की तरफ है। ये सेल थोड़ी बड़ी है, लार्ज साइज की है, और इसको होस्टेरिया सेल बोलते हैं। और इस होस्टेरिया का काम है
ये एंडोस्पर्म में धंस जाती है बेटा, एम्बेडेड इन एंडोस्पर्म, एम्बेडेड इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में ये एम्बेडेड हो जाती है और वहां से ये न्यूट्रिशन अपटेक करती है। इज दैट क्लियर? अब आप समझिए इन बातों, यहां इसने एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लिया और ये न्यूट्रिशन जो है इन सेल्स को देगा और ये सेल्स ऊपर आगे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसकी जो लास्ट सेल है ये वाली, ठीक है ना, इसकी जो ये सस्पेंसर की जो लास्ट सेल है, ये तो टॉप सेल हो गई और ये सस्पेंसर की जो लास्ट सेल है किसकी है, ये लास्ट सेल सस्पेंसर की चलेजा की तरफ हो गई है ना। ये क्या करेगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं और ये रूट कैप फॉर्मेशन में हेल्प करेगी बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो अब आपको यहां तक की कहानी में रिवाइज करवा देता हूं। जाइगोट ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, एक बेसल सेल बनी और एक टर्मिनल सेल बनी। क्लियर? टर्मिनल सेल चलेजा की तरफ है, ये एम्ब्रियो बनाएगी आगे। इज दैट क्लियर? एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनाएगी और जो बेसल सेल है वो सस्पेंसर बनाएगी। इज दैट क्लियर? अब बेसल सेल क्या कर रही है, ट्रांसवर्स डिवीजन कर रही है और वो सस्पेंसर बना रही है। सस्पेंसर 6 to 10 सेल का है, इसकी लास्ट जो फर्स्ट सेल थी टॉप सेल वो माइक्रोपाइल है की तरफ जो है वो ओस्टोरिया होगी जो न्यूट्रिशन को अपटेक करेगी एंडोस्पर्म से और ट्रांसफर करेगी। इज दैट क्लियर? अब जो इसकी लास्ट सेल जो चलेजा की तरफ रहेगी वो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और वो रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, अब टर्मिनल सेल का डिवीजन देखेंगे हम। किसका? टर्मिनल सेल का डिवीजन, ठीक है। टर्मिनल सेल जो होती है बच्चों वो दो तरह का डिवीजन करेगी, लॉन्गिट्यूडिनल भी प्लस ट्रांसवर्स भी। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है बच्चों कि टर्मिनल सेल जब डिवीजन करती है तो ये क्या करती है, ऑक्टांस बनाती है। चार सेल ऊपर है बच्चों और चार सेल नीचे है, जिसको यहां पर मतलब चार सेल नीचे की तरफ रहेगी इस तरह से, ठीक है, और चार सेल ऊपर की तरफ है तो ऑक्टांस बनेगा ये। और इसके बाद देखो यहां पर ये हमारा रहा सस्पेंसर, ये हमारा सस्पेंसर है। इज दैट क्लियर? अब जो यहां पर ये ऑक्टांस बना है इसमें ऊपर वाली चार सेल और ये है नीचे वाली चार सेल, तो ध्यान से देखिएगा ऊपर वाली चार सेल और नीचे वाली चार सेल। तो ऊपर वाली चार सेल को अपन बोलेंगे एपी बेसल और इनको बोलेंगे अपन हाइपो बेसल, ठीक है ना। ये नीचे वाला टेट्राड है यानी फोर सेल है और ये ऊपर वाली चार सेल है, ये पूरा ऑक्टांस है। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों कि ये आगे डिवीजन करेगा और जो हाइपो बेसल है इसकी जो ये सेल्स है वो आगे डिवीजन करके सेल मास बनाएगी और ये आगे चलकर जो है दो चीजों का फॉर्मेशन करेगी, एक रेडिकल और एक हाइपोकॉटिल, ठीक है। क्लियर बच्चों? रेडिकल आगे आपको पता है रूट का फॉर्मेशन कर देगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह बच्चों जो एपी बेसल है ये भी आगे इसकी सेल डिवाइड होगी, डिवीजन करेगी और इसकी सेल जो है वो डिवीजन करने के बाद, ठीक है, एपी बेसल की सेल आगे डिवीजन करने के बाद दो तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी। एक बनाएगी बच्चों ये प्लूम्यूल, क्लियर, समझ आ रहा है, और प्लूम्यूल जो है वो आगे शूट का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही बच्चों ये कॉटिलिडिन भी बनाएगी, क्लियर। और कॉटिलिडिन मैंने आपको बताया था ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, फूड स्टोरेज रहता है कॉटिलिडिन में। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से, ठीक है। और प्लूम्यूल के साथ ये एपिकोटाइल भी बनाएगी, एपिकोटाइल शूट टिप को प्रोटेक्शन देगा और हाइपोकोटाइल रूट टिप को प्रोटेक्शन देगा। क्लियर?
तो प्लूमिल के साथ ये एपिकोटाइल भी बनाएगी। इज दैट क्लियर, समझ आया आपको एकदम अच्छे से। अब देखो बच्चों कि इस ये तो पूरा देखो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इसमें जब ये सेल डिवाइड होती है तो पहले ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाती है, ग्लोब्यूलर शेप का एम्ब्रियो बनाती है, क्लियर, ठीक है ना। ये पूरा ग्लोब्यूलर सेल मास बनता है इस तरह से, बहुत सारी सेल्स इस तरह से ये अरेंज हो जाती है, ऑक्टांश इसी तरह से अरेंज होगा। ग्लोब्यूलर शेप के बाद फिर ये आगे डेवलप होता है और ये बनती है हार्ट शेप, यानी एम्ब्रियो किस शेप में आता है, हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है। ये डेवलपमेंट स्टेज है एम्ब्रियो की, पहले ग्लोब्यूलर शेप आती है फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो आती है, ये क्रम में आपको ध्यान रखनी है। हार्ट शेप के बाद टॉर्पीडो शेप आती है बच्चों, कौन सी शेप है, टॉर्पीडो शेप का एम्ब्रियो, क्लियर, एम्ब्रियो बन जाता है टॉर्पीडो शेप का। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि ये मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज है, मैच्योर स्टेज है ये। लेकिन बच्चों जब हम हायर रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो एक और स्टेज इसके अंदर पढ़ी जाती है, वो आती है कॉटिलिडिन स्टेज। एनसीईआरटी ने तीन ही स्टेज का जिक्र किया है, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप और टॉर्पीडो शेप, यानी ये एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस हुआ है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, ठीक है। लेकिन कॉटिलिडिन शेप जो होती है वो मैच्योर मानी जाती है, और लेकिन एनसीईआरटी ने क्योंकि टॉर्पीडो तक बताया तो स्टेज मैच्योर कौन सी है, टॉर्पीडो शेप। अब ये देखो इसमें कॉटिलिडिन बन गया ना, तो ये पूरा जो एम्ब्रियो है ये वाला एम्ब्रियो है कॉटिलिडिन स्टेज वाला जो मैंने आपको बताया, जिसमें रेडिकल भी बन जाता है, हाइपोकॉटिल बन जाता है, प्लूम्यूल बन जाता है, है ना, और कॉटिलिडिन बन जाता है। इज दैट क्लियर, समझ आए। तो ये था डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, होपफुली आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको जो है डायग्राम से भी आप समझेंगे, तो इसके लिए आप जो है डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ये देखिए आप इसका डायग्राम इस तरह से, आप देखो इसका डायग्राम देखो, ये यहाँ से समझिए आप, देखो ये ओव्यूल हैं तो ये माइक्रोपाइल रीजन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ओस्ट्रा हो गई और ये सस्पेंसर हो गया, देखो ये पूरा, ठीक है। और ये वो कॉटिलिडिन है, डाइकोट है तो कॉटिलिडिन कितने हो गए, दो हो गए, दो कॉटिलिडिन है इसमें, इसलिए इसको डाइकोट बोलते हैं। और ये रहा शूट टिप यानी प्लूम्यूल, है ना, और ये रेडिकल रीजन है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो इस तरह से चेलेजा की तरफ ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, ठीक है, और माइक्रोपाइल की तरफ क्या था, सस्पेंसर था, समझ गए। तो हम इस डायग्राम को रफली यूं बना भी सकते हैं, देखो इसको इस तरह से, इस तरह से देखो, इस तरह से ये एम्ब्रियो बनेगा यहां पर। तो ये हमारे पास दो कॉटिलिडिन हो गए, कॉटिलिडिन डाइकोट है तो कॉटिलिडिन कितने हो गए, दो। ये यहाँ पर बच्चों हमारे पास प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल जो शूट टिप बनेगा आगे, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास एपिकॉटिल है, इज इट क्लियर, समझ आया एकदम अच्छे से। अब देखो इस डाइकोट का एम्ब्रियो एक्सिस पूछा जा सकता है आपको, एम्ब्रियो का एक्सिस, ठीक है ना। तो डाइकोट का एम्ब्रियो एक्सिस में एंटीरियर साइड प्लूम्यूल होगा और इस एम्ब्रियो का जो पोस्टीरियर एक्सिस होगा वो रेडिकल होगा, यानी एंटीरियर प्लूम्यूल है और पोस्टीरियर रेडिकल है आएगा, इज दैट क्लियर। तो ये आप इसकी रफ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बाकी आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी से देखनी है। एम्ब्रियो एक्सिस भी समझ आ गया आपको, तो ये था डाइकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्लियर।